शांति दूत हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। इसका मुख्य कारण व उद्देश्य जिले में चल रही अवैध गतिविधियों, घटना, अपराधों व असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही घटना की सूचना आमजन द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर कार्यवाही करने के लिए की गई। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि आमजन या सूचनाकर्ता घटना, दुर्घटना, अनैतिक एवं संदिग्ध गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना, सूदखोर भूमाफिया, चिटफंड, अवैध कब्जा, अवैध वसूली, अड़बाजी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अन्य कोई भी सूचना जो उज्जैन के हित में हो वह पुलिस को देने पर उज्जैन में क्राइम का ग्राफ भी कम होगा, साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत होगा। इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है जिस पर आमजन व्हाट्सएप व कॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, किस तरह की मुहिम रहेगी और किस तरह से लोग इसको सूचना पर? जब से मैंने उज्जैन जिले में अपना पदभार ग्रहण किया उसी समय से यह विषय लगातार चल रहा था कि अपराधों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को हमको एक ऐसा डेडिकेटेड नंबर मिल जाए जो सिर्फ उज्जैन से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको दें। उसी उद्देश्य से हमने एक नंबर जारी किया है, साथ ही साथ एक ईमेल आईडी जारी की है जो आप लोगों के सामने है। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि उज्जैन जिले से संबंधित जो अपराध है, जो उज्जैन स्पेसिफिक अपराध है, उसकी सूचना इस नंबर पर दी जाए जिसको हमारी एक टीम रहेगी जो उसको लगातार उस पर काम करेगी और उस पर क्या कार्रवाई की जानी है ये CSP एडिशनल SP लेवल पर और एक बेहतर सूचना तंत्र स्थापित हो उस उद्देश्य से हमें ये नंबर डेडिकेटेड और एक ईमेल आईडी चाहिए।